हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय लवली किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्जी। हमने मसाला पीस के रख लिया है। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, धनिया हरा पेस्ट बना के रख लिया। यहाँ हम फ्राई कर रहे हैं कटहल। कटहल को काट के फ्राई कर लेंगे थोड़े से ऑयल में। हमने फ्राई करके एक बार निकाल लिया है, दूसरी बार इसमें कटहल को हमने फ्राई कर लिया है। इस तेल को, वही तेल है, वही कढ़ाई है, उसमें हमने थोड़ा सा प्याज कट करके उसमें हींग डाल देंगे। अगर मिर्च डालना चाहते हैं आप तो हरी मिर्च भी इसमें डाल दीजिए। हमने नहीं डाला क्योंकि हमने हरा मिर्च पीस लिया था और इसी में जो पेस्ट बना के रखा था उसी में धनिया और धनिया पाउडर, तो सूखे मसाले जो भी थे, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी सब मिक्स कर लिया था। तेल में फ्राई कर रहे हैं उसको हम। उसमें हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। मेरा मसाला भून चुका है अच्छे से। अब टमाटर का पेस्ट भी उसी में डाल देंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि पानी तेल ना छोड़ने लगे। टमाटर पानी पूरा सूख जाएगा, तेल उसमें छोड़ने लगेगा, बस उसके बाद तैयार हो जाएगा मसाला, मेरा भून जाएगा। मसाला भून रहा है, मसाला हो चुका है। उसमें हम कटहल जो फ्राई करके रखे थे पहले से उसमें मिक्स कर दिए। आप लोग भी बनाते होंगे कटहल की सब्जी। बनाने का सबका तरीका अलग अलग होता है, इसलिए मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ मैं कैसे बनाती हूँ कटहल की सब्जी। पानी डाल दिया था, ज़्यादा ग्रेवी सूखी सब्जी नहीं है और न तो इन्हें आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, हो गया। तो हमने अपना कॉफ़ी बनने के लिए रख दिया है। सब्जी मेरा बन चुका है, तैयार है कटहल की सब्जी। इधर कॉफ़ी बन चुका है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये पसंद आता है वीडियो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करके बताइएगा। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉफ़ी मेरा बन चुका है, हम पानी रख दिया है, पानी पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। आप लोग बताइएगा जरूर कैसा लगा।